हेलो एवरीवन माय नेम इज पीयूष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू अ वेब डेवलपर सो इस रोड मैप में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारी टेक्नोलॉजीज फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज जो आपको करनी चाहिए अगर आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और ये रोड मैप पर्सनली मैंने भी फॉलो किया है ओके सो दिस इज़ दी मोस्ट ट्रस्टेड रोड मैप ठीक है तो देखते हैं रोड मैप को तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू वेब डेवलपर सबसे बेसिक एच टी एम एल एंड सी एस एस राइट एच टी एम एल सी एस एस क्या होता है एच टी एम एल बेसिकली आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है लाइक like जैसे होता है ना लाइक like ऊपर हमारे पास एक सेक्शन होता है देन बटनज होते हैं तो एच टी एम एल क्या करता है आपके पूरे वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देता है एंड सी एस एस इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो लाइक यू गिव कलर्स यू गिव पोजिशन सो वो सब कौन करता है सी एस एस तो बेसिक लेवल में अगर आप वेब डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एच डी एम एल एन सी एस एस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अच्छे से कोड करना है ओके okay? एंड जब आपने एक बार एच टी एम एल सी एस एस को अच्छे से समझ लिया लाइक like इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इट विल हार्डली टेक फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज़ टू अंडरस्टैंड एच टी एम एल एन सी एस एस आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ओके okay? कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स बनानी हैं जैसे एक पोर्टफोलियो साइट हो गया या किसी पेजेस के क्लोन हो गए राइट right? तो वो आपको बनाना है एच डी एम एल सी एस एस को यूज़ करके इससे क्या होगा आपको एच डी एम एल एन सी एस एस में बहुत बढ़िया हैंड हो जाएगा हाथ डाट जाएगा देन वी हैव सी एस एस फ्रेमवर्कस ओके प्रोडक्शन में बेसिकली हम पूरी सी एस एस खुद नहीं लिखते हैं हम कुछ री यूजल सी एस एस या कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव बूट श्राप राइट हमारे पास मटीरियल सी एस एस होता है और भी बहुत तरह की लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज होती है लेकिन मोस्ट फेमस वन इस बूट श्राप तो आपको क्या करना चाहिए एच टी एम एल सी एस एस करने के बाद यू शूड ऑल्सो लर्न यू शूड ऑलसो लर्न लाइक बूट श्राप लाइब्रेरी ठीक है एंड इसमें भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं और ये सब लाइक ये पूरा प्रोसेस जो है लाइक एच टी एम एस एस एंड सी एस एस की लाइब्रेरी बोट ट्राफ हार्डली हार्डली थर्टी डेज लेगी तो इससे क्या होगा आप एक स्टैटिक साइट्स बना सकते हैं राइट यू कैन यू लाइक यू कैन बिल्ड अप स्टैटिक साइट्स स्टैटिक साइट्स क्या होता है स्टैटिक मतलब जिसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती लाइक इट इज़ ओनली फॉर द डिस्प्ले जैसे होता है ना एक लैंडिंग पेज तो आप एच डी एम एस सी एस एस एंड बोट ट्राफ्ट करने के बाद लैंडिंग पेजेस बना सकते हो राइट तो आई विल रिकमेंड कि आप लाइक थर्टी टू फोर्टी लैंडिंग पेजेस बनाओ Uh, और वेबसाइट्स के क्लोन्स बनाओ तो इससे क्या होगा आपका एच डी एम एल सी एस एस एंड बूट्रा बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा देन वी हैव जावा स्क्रिप्ट ठीक है ना यहाँ से थोड़ी सी गेम चेंज होती है जावा स्क्रिप्ट क्या करता है बेसिकली वो फंक्शनैलिटी देता है ठीक है वो आपके पेज को लाइक डायनामिक बनाता है ओके जैसे वी हैव मूविंग थिंग्स हमारे पास बटन्स होते हैं क्लिक्स होते हैं हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं तो वो सब कैसे होता है जावा स्क्रिप्ट से सो आफ्टर डूइंग एच डी एम एल एंड सी एस एस आपको क्या करना है जावा स्क्रिप्ट चावा स्क्रिप्ट इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज और ये बिगनर्स को बहुत कन्फ्यूज़ करती है तो जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से करना है राइट इवन इफ इट टेक्स लाइक थ्री मंथ्स फोर मंथ्स सिक्स मंथ्स लेकिन आपको चावा स्क्रिप्ट अच्छे से करना है अब जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ना वो बहुत बड़ी लैंग्वेज है तो एज अ बिगनर हमें समझ नहीं आता क्या कवर करना चाहिए और क्या नहीं तो मैंने क्या किया यहाँ पर हर टॉपिक लिखा है जो आपको कवर करना है लाइक फ्रॉम हेलो वर्ल्ड वेरिएबल्स एरेज क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं फंक्शंस क्या होते हैं राइट एंड हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है लाइक वी हैव मैप फिल्टर सम देन वी हैव एरो ओ फंक्शन कॉल बैक फंक्शंस टाइमर्स लोकल स्टोरेज प्रॉमिस तो मैंने यहाँ पे हर टॉपिक कवर किया है जो आपको करना ही करना है बाई लर्निंग जावास्क्रिप्ट वैसे जावरस्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है बट दीज आर दी मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टिप्स पे होने चाहिए तो इस पॉइंट तक क्या होगा लाइक यू नो एच डी एम एन यू नो सी एस एस यू नो जावाबास्क्रिप्ट नाउ यू कैन बिल्डअप सम डायनामिक लैंडिंग पेजेस ओके मतलब अभी भी आप डायनामिक साइट्स नहीं बना सकते बट ठीक है यू कैन नाउ मेक फंक्शनल वेबसाइट्स ठीक है लाइक बटन क्लिक पे क्या होना चाहिए या फिर कुछ एनिमेशंस लगा सकते हो ये करने के बाद ठीक है आपका मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो होता है ना फ्रंट एंड का वो कंप्लीट हो जाएगा एच डी एम एस सी एस करने के बाद ठीक है ना आज के टाइम में यू नीड टू चूज अ फ्रेमवर्क ठीक है कोई भी वेबसाइट इन प्लेन एच डी एम एस सी एस एस नहीं बनती कोई ना कोई फ्रेमवर्क या कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ होती है जिसमें से सबसे पॉपुलर कौन सी है हमारे पास रिएक्ट जीएस राइट हमारे पास और भी लाइब्रेरीज हैं लाइक वी हैव एंगुलर वी हैव व्यू लेकिन सबसे पॉपुलर कौन सी रिएक्ट चेयस तो इस वीडियो में मैं रिएक्ट चीयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न रिएक्ट चीयस तो हमें कैसे स्टार्ट करना है ठीक है तो रिएक्ट जीएस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बेसिक लेवल पर हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए रिएक्ट है क्या और कौन सी प्रॉब्लम है जो रिएक्ट सॉल्व कर रही है राइट right? एंड वंस यू नो कि ठीक है दिस वॉज अ प्रॉब्लम जैसे कॉम्प्लेक्स यू एस के होते हैं एंड क्या प्रॉब्लम आती है जब हम डॉम मैन्युपुलेशन करते हैं लाइक like जब तुम जावा स्कट पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आएगी प्रॉब्लम अपने आप तो आपको तो हमें पता लगेगा कि रिएक्ट जो है वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है ओके okay? तो हमें क्या करना है जब हम रियक्ट को शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैंने फिर से टॉपिक्स लिखे हैं क्या स्टडी करना है वॉट टू स्टडी ठीक है तो मैंने इसको बेसिकली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है आई हैव बेसिक्स इंटरमीडिएट एडवांस और फिर सी एस एस इंटीग्रेशन ओके तो so, बेसिक्स में हमें क्या कुछ पढ़ना है हमें पता होना चाहिए कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं जे एस एक्स क्या होता है स्टेट क्या होता है वॉट आर हुक्स ठीक है और डिफरेंट तरह के हुक्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स यहाँ पर लिखे हैं जैसे यूज स्टेट यूज़ इफेक्ट यूज़ कॉन्टेक्ट एंड यूज रेफ एंड यूज़ रिड्यूसर उसके बाद हम खुद के हुक्स कैसे बना सकते हैं हुक्स होता क्या है कैसे बना सकते हैं वॉट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ कॉम्पोनेट्स ठीक है और री re रेंडरिंग क्या होता है तो ये पहले बेसिक लेवल पर हमें समझ आ, हमें पता होना चाहिए React के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है मेरे YouTube चैनल पे उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स लाइक स्टेप बाय स्टेप कवर किए राइट एक बार जब हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा React में देन यू कैन jump टू इंटरमीडिएट लेवल ठीक है इसमें हमारा हमें क्या पता होना चाहिए लाइक प्रॉप्स क्या होते हैं प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है देन फॉर्म्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम रियक्ट में क्योंकि फॉर्म हैंडलिंग इज़ अ बेट ऑफ अ कंफ्यूजिंग थिंग फॉर अ बिगनर उसके बाद ए कॉलिंग कैसे करते हैं ठीक है थीके? ए कॉलिंग में मैंने अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने दो चीज़ें डाली है बेसिक ए फेचिंग यूजिंग द फेच ए वो जब आप जावाज पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा एक जैसे रिएक्ट कॉरी लाइक क्लाइंट कैशिंग क्या होता है जैसे हम जब डेटा फेच करते हैं तो क्लाइंट साइड कैशिंग क्या होता है एंड देन लिफ्टिंग अप स्टेट्स कॉन्टेक्स्ट ए तो ये सब इंटरमीडिएट लेवल में आता है ठीक है बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट है तो ये भी जब आप रिएक्ट पढ़ोगे या फिर आप मेरी वीडियोज देखोगे तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं देन ऑन दी एडवांस लेवल वी हैव अ रियक्ट रिडक्ट एंडक्ट रीडक्स टूल किट ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है एज अ बिगिनर लेकिन अगर एक बार ये समझ आ जाए तो लिटरली बहुत ईजी है और बहुत लाइक स्टेट मैनेजमेंट को बहुत ईजी कर देता है रीडक्स ठीक है सो रीडक्स इज़ एन एडवांस टॉपिक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जैसे ही आप रिएक्ट शुरू करते हैं आप रीडक्स को साथ में पकड़े ठीक है क्योंकि रीडक्स डिफ़िकल्ट है टू बी ऑनेस्ट हाँ एज़ अ बिग्नर मुझे भी शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगती थी बट जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते हैं बहुत ईजी हो जाता है सो ऑन द एडवांस लेवल यू कैन मास्टर रीडक्स ओके एन सी एस एस इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली जैसे हमने सी एस एस में बात की थी बूट श्राफ की राइट तो जब आप रियाक में कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसमें भी हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन हैं सी एस एस की जैसे वी हैव रियाक बूट श्राफ़ हमारे पास एंड डिज़ाइन है मटीरियल यू हुआ है टेलीविजन सी एस एस है तो बेसिकली क्या होता है प्री बिल्ड सी एस एस होती है बनी बनाई सी एस एस होती है हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस में ओके सो फॉलोइंग दिस रोड मैप ओके दिस पर्टिकुलर रोड मैप आप एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर दिस वॉज द मोस्ट शॉर्टेस्ट रोड मैप दैट यू कैन एवर फाइंड एंड फॉलोइंग और ये रोड मैप मैंने पर्सनली फॉलो किया है ठीक है तो अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं विल बी अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड ये पूरा रोड मैप कवर करने के लिए यूजअली सिक्स टू सेवन मंथ्स का टाइम लगेगा ओके okay? सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये रोड में आप मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है मैंने किसी भी तरह का कुछ यू नो एडिशनल या फिर जो नहीं चाहिए वो मैंने हटा दिया इसमें से सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड रिएक्ट की सीरीज़ के लिए मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पर वो आप चेकआउट कर सकते हो सो so, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंडर दैन बाय टेक केयर